दूध पानी का ये सवाल अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि रेशियो से नहीं एलिगेशन से आपको सॉल्व करना है। सुनो, एक केन पानी और दूध के मिश्रण से भरी है जिसमें 60% दूध है। इस मिश्रण का एक हिस्सा निकालकर एक दूसरे मिश्रण से बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें 50% मिल्क है। फाइनल मिश्रण में जो मिल्क है वो 52% है। आपसे पूछा है मिश्रण की कितनी क्वांटिटी आपने रिप्लेस की। अगर आपके पास एक बर्तन में पानी दूध के मिश्रण में 60% दूध है, आप इसका कुछ हिस्सा निकाल लोगे तो निकालने के बाद भी बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 60% ही रहेगा। निकालने के बाद आपने इसमें एक दूसरा मिश्रण मिलाया जिसमें दूध का कंसंट्रेशन 50% है और फाइनल जो मिश्रण बना उसमें दूध का कंसंट्रेशन 52% हो गया। 52 और 60 - 52 8, 2:8 हो गया, 1:4 मेरे प्यारे भैया आया। यानी कि जो चीज आपने ऐड की है या निकाल के रिप्लेस की है वो 4 है। आपने मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदली, आपने जितना निकाला मिश्रण उतना ही दूसरा मिलाया है। टोटल कितना होगा जी? 5 में से 4 पार्ट आपने निकाल के रिप्लेस किया, 4/5 मिश्रण आपने रिप्लेस किया है। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। एक और सवाल आप ऐसा कर दीजिए, शराब वाला।